रचने जाएंगे हम गुलामी, एक नया इतिहास विकास का, प्रगति का और पुनः शिवपुरी का परचम और झंडा प्रजातंत्र के मंदिर में गाड़ के रखने का संकल्प लेते हैं। इस बमोरी की जनता का एक अपार स्नेह, एक हृदय का लगाव सदैव सिंधिया परिवार के मुखिया के साथ रहा है और सिंधिया परिवार के मुखिया ने सदैव अपने जिंदगी में जी जान बमोरी की एक एक जनता के लिए निछावर करने का एक प्रतिज्ञा संकल्प लिया है। केएल अग्रवाल जी को भी याद है, हम वहां ले गए थे सब स्टेशन ट्रक पे और जब ट्रक पे सब स्टेशन पहुंचा रहे थे ट्रक की एक्सल ही टूट गई। तो मैंने संकल्प लिया कि राजस्थान बॉर्डर तक बमोरी से मैं सड़क बना के दूंगा और आज उसी सड़क पे मैं चल के आया हूं। मेरे दिल्ली के पत्रकारों का कैमरा एक बार भी नहीं मिला। लेकिन कान में जाकर पुसर पुसर क्या माफ नहीं हुआ। एक एक चौपाल में जाकर अपने आप को कुछ नहीं कर पाए और जो किसी और ने किया उस पर पानी फेरने का काम माफ नहीं हुआ। मैंने सीख लिया है इन भाजपाइयों को जवाब उनके तरीके में ही देनी होगी। अगले बार आपके चौपाल पे आएंगे और कहेंगे माफ नहीं हुआ। उनके कान में कह देना सही है कि नहीं, बताओ सही है ना, तालियां बजाओ। और जो आप लोग रोज चिल्लाते थे कि सिंधिया जी बिजली नहीं है, देखो अपने चारों तरफ देखो, एक एक खंभा मैंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लगवाया, एक एक तार लगवाई, एक एक डीपी और ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों को तो ऐसे बौछार कर दी जितने शिवराज सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश में नहीं लगाए हो, वो गुना शिवपुरी में लगाता गया। इस बमोरी के विकास में जिस दिन से मैंने आप सबका उंगली पकड़कर जनसेवा के पथ पर चलने की प्रतिज्ञा की थी, उस दिन से मैंने आपके लिए अगर काम किया हो तो मैं अपने मस्तिष्क से काम नहीं करता, मैं काम करता हूं तो दिल से काम करता हूं। 45-47 डिग्री की चिलचिलाती हुई धूप है और चाहे गर्मी का मौसम हो और गर्मी के माह में तो हमको सदैव सिखाया गया है बचपन से, अगर 27 डिग्री का तापमान है तो बाहर निकलोगे सिर पे पट्टा लगाना और पॉकेट में प्याज सही लगाना। अगर सिर पे पट्टा लगाओगे और पॉकेट में प्याज लगोगे रखोगे तो कभी भी लू लपट नहीं लगने वाला।